एवरीवन, दिव्या सुपर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और आम का भी मौसम है, इसलिए आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए दो रेसिपी। दोनों ही रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, एक मैंगो कुल्फ़ी की और दूसरी मैंगो मस्तानी की। मैंगो मस्तानी पुणे की खास रेसिपी है जो बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने ये दो आम ले लिया है। ये अल्फांसो आम है, आप कोई सा भी ले सकते हो लेकिन उसके रेसे नहीं होने चाहिए। ये मैंने छील लिया है और इसका पल्प निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे और एक लीटर दूध मैंने डाल दिया है। ये फुल क्रीम दूध है, ये मैंने अमूल का दूध लिया है, आप कोई भी फुल क्रीम दूध ले सकते हो। उसको मैंने गाढ़ा होने के लिए गैस पे रख लिया है। जब तक ये दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक मैंगो को ब्लेंड करके रख लेंगे मिक्सी में। तो अभी मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है और उसमें मैंने जो ये मैंगो रखा था इसको डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो अभी मैंने मैंगो को ब्लेंड कर लिया है, अब इसको रख देंगे साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब इस दूध में उबाल आ गया है, अब इसके ऊपर जो मलाई आ रही है उसको भी इसमें डालते जाएंगे और इसको 1/3 होने तक दूध को अच्छी तरह से रिड्यूस कर लेंगे। लगातार हिला रही हूँ नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है। ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क नहीं है तो आप एक बड़ा चम्मच इसमें मिल्क पाउडर को भी घोल के डाल सकते हो। अब ये दूध गाढ़ा हो गया है, अब मैं इसमें 1/3 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब मैं ये थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। इसमें मैंने काजू, पिस्ता और बादाम लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। ये एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है और इसके साथ ही ये मैं 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और इसी के साथ ये मैंने 10-15 धागे केसर के लिए हैं, ये भी डाल देंगे। ये मैंने केसर के 10-15 धागे डाल दिए हैं, इसका फ्लेवर अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो देखिए मैंने चीनी और ड्राई फ्रूट डालने के बाद थोड़ी देर इसको और पका लिया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, बस इतना गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसमें मैंगो पल्प भी डालेंगे तो इससे ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसमें मैंगो पल्प मिलाएंगे। तो देखिए ये दूध अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें मैंगो पल्प मिलाऊँगी जो मैंने पीस के रखा था। मैंने ये दो आम लिया है, आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से आम इसमें मिक्स कर सकते हो। तो अभी मैंने मैंगो को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इसका टेक्सचर और भी स्मूथ चाहिए तो आप मिक्सी में एक बार इसको ब्लेंड कर सकते हो फिर से। मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया है क्योंकि मुझे इसका टेक्सचर ऐसे ही चाहिए। अब मैं इसको जमाने के लिए रख देती हूँ। तो कुल्फ़ी जमाने के लिए मैंने एक मटकी रख ली है, आप किसी भी चीज़ में जमा सकते हो। इस मटकी में मैं इसको डाल देती हूँ। अभी मैंने इस मटकी में कुल्फ़ी को डाल दिया है, आप ऐसे भी जमा सकते हो या किसी भी चीज़ में आप जमा सकते हो। ये मेरे पास कुल्फ़ी मोल्ड भी है, इसमें भी जमा सकते हो। ये कुल्फ़ी मोल्ड आसानी से मिल जाता है। अभी मैंने इसमें डाल दिया है और इसका ढक्कन लगा दिया है, अब इसको जमने के लिए रख देंगे। कुल्फ़ी को भी मैंने एक मटकी में डाल दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश कर दिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा केसर भी डाल दिया है। अब इसको कवर कर देंगे एक एल्युमिनियम फॉइल लेके। मैंने कवर कर दिया है और इसको 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये जम जाएगा अच्छी तरह से फिर इसको निकालेंगे। तो देखिए 8 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब ये कुल्फ़ी जम गई है अच्छी तरह से, इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए ये अच्छी तरह से जम गई है कुल्फ़ी।
तो देखिए कुल्फ़ी बनके तैयार है, मैंने इसे सर्व कर दिया है। ये आप कुल्फ़ी को मटकी में भी बना सकते हो और कुल्फ़ी मोल्ड में भी बना सकते हो, आपको जैसे पसंद हो आप उसमें कुल्फ़ी बना सकते हो। ये कुल्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप मेरे स्टाइल से बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब मैंगो मस्तानी बनाएंगे। मैंगो मस्तानी बनाने के लिए मैंने ये अल्फांसो मैंगो लिया है, ये दो मैंगो मैंने लिया है, इसको छील के और मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। आप कोई भी आम ले सकते हो लेकिन ट्रेसे वाले आम नहीं होने चाहिए। अब इसको मिक्सी में डालेंगे। तो अभी मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है, उसमें मैंने मैंगो को डाल दिया है। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैं ये इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ये आइसक्रीम डाल रही हूँ, ये वनीला आइसक्रीम है, 1 या 2 चम्मच डाल सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसमें ये 1 कप मैं दूध डालूँगी। इसमें अभी थोड़ा सा दूध डाल के पहले इसको ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद बाकी का दूध डालेंगे इसमें। अभी मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इसको ब्लेंड कर लिया है, अब मैं ये बाकी का दूध भी डाल देती हूँ उसमें और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको मिक्सी में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। अब इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने 2 ग्लास रख दिया है। पहले ये आइसक्रीम डाल देंगे, ये वनीला आइसक्रीम है। आप चाहो तो इसकी जगह मैंगो आइसक्रीम भी डाल सकते हो, लेकिन वनीला आइसक्रीम से ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी मैंने इसमें आइसक्रीम डाल दिया है। अब इसमें थोड़े से ये पिस्ते डाल देंगे, थोड़े से पिस्ते और थोड़े से बादाम डाल देंगे। और इसके बाद इसमें मैंगो शेक डालेंगे, इसके ऊपर ऐसे मैंगो शेक डाल देंगे। पूरा इसको भरेंगे नहीं, थोड़ा कम ही डालेंगे। अब इसके ऊपर फिर से आइसक्रीम डालेंगे। अभी इसके ऊपर से मैंने फिर से आइसक्रीम डाल दिया है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसमें मैंने ये काजू, पिस्ता और बादाम लिया है। और इसके ऊपर थोड़े से ये मैंगो के क्यूब्स भी डाल देंगे। अभी मैं इसके ऊपर से, अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो वो डाल दें, या अनार डाल सकते हो या ग्रेप्स भी डाल सकते हो, इससे ये देखने में अच्छा लगता है। तो देखिए मैंगो मस्तानी बनके तैयार है, मैंने इसे सर्व कर दिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप मेरे स्टाइल से बनाइए, पीजिए और अपने कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।